हाय एवरीवन, आई एम शाहीन अनीफ और आज हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी सोच, वो आपके क्या सोच रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं या नहीं, क्या वो कभी याद कर रहे हैं या नहीं, क्या भूल गए, बहुत सारी चीज़ें। और साथ में आप उनके बारे में कुछ और भी देखेंगे डिटेल और नेक्स्ट एक्शन भी। ओके, तो हम पहले देखते हैं आपके लेटर फर्स्ट। ओके, आपके नेम के फर्स्ट लेटर एंड आपके सरनेम के। ओके, बी वी डी एच एम, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, सो एन टी जेड एल के एम, ये डब्ल्यू भी है, ठीक है, एस जे सी ई ए Y एंड P। ओके, हम आपके बर्थ डेट के लेट आपके बर्थ डेट के लेटर नहीं, आपके बर्थ डेट भी हम देख लेते हैं। 5, 19, 23, 18, 22, 6 and 9 and 13, 11, 27 and 30, 30। ओके, 28, 29, 7, 15, 17 and 2। ओके ओके, अभी हम आपके पार्टनर के लेटर देख लेते हैं, उनके सरनेम के और उनके नेम। ओके, सो बी ई जे डी एच आर जेड पी सी एन एम और डब्ल्यू अक्सर आता है, के और ए जी आई टी एन वाई। अभी बर्थडे भी देख सकते हैं। ओके, सो 24, 6 and 9, 18, 22, 26 and 19, 12, 17, 7, 21, 25, 15, 27, 2 number, 11, 3, 4, हाँ ये 3 नंबर ही है, 9 और 29। ओके, 11 नंबर भी हो सकता है। जस्ट मिनट, हम देखते हैं पहले आपकी एनर्जी, बट इसको मैं पहले हटा लूँ जिससे मैं इजीली आपके लिए रीडिंग कर पाऊँ। आपकी एनर्जी हम देखते हैं क्या है। ओके, पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आपकी एनर्जी क्या है। ओके, तो हर बार की जैसे ओवर थिंकिंग, सोच रहे हो कि मैं ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, ख़त्म करूँ ना करूँ, क्या मैं सही डिसीज़न ले रही हूँ या ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डर, ये जर्नी पता नहीं ये है मेरा जीवन साथी या नहीं, इस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं, बहुत कुछ ड्रीमिंग है। ये बार मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हो, दिखाई दे रहे हो, तो ये तो आपकी खुद की करंट एनर्जी देखी, ठीक है। अभी आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन जो बन रहा है वो मैं देखती हूँ कि आप लोगों के बीच में अभी क्या हो रहा है। ओके ओके, ओके, सो ये बात है। सो ये तो बड़ा बंदा चालाक बोल सकते हैं यार, क्या ही बोले हम आपको बड़ा चालाक है ये बंदा, ठीक है।
बंदा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करके भाग जाते थे हमेशा, ठीक है। बहुत अच्छे से बातचीत करना, और एक्चुअली ये चीज़ें कहीं ना कहीं कमिटमेंट इश्यू की वजह से ही हुआ है। आपके साथ बातचीत होते हुए बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे से आप लोग घूमने फिरने, बाहर जाना, बातचीत करना, लेट नाइट मैसेज कॉल एंड एवरीथिंग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखो, जैसे आपने ये सोचा कि ये रिश्ते का नाम क्या रखना है, इस रिश्ते का रिलेशनशिप का नाम क्या है, ठीक है, तो आपने ये सोचना, जैसे इनको पूछना स्टार्ट किया और फाइट होना स्टार्ट किया। देखो फिजिकल होना इज ओके, ओके सब कुछ ठीक है, लेकिन कमिटमेंट की बात आती तो नहीं ना, अभी नहीं, अभी फिलहाल नहीं। ये हो सकता है कि एडवोकेट, डॉक्टर, ये सब हायर पोजिशन पे हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ही दिख रहा है। मैं ज़्यादा और एनर्जी पिक नहीं करती, क्योंकि ये रिलेशनशिप में जैसे कि बंद हो चुका है, ऐसा ऐसा लग रहा है, जैसे कि आना जाना इनका आदत लगी पड़ी है। बट ये बार जो जजमेंट मिला है, शायद हो सकता है कि ब्लॉक वाला हो, और ये बार बहुत ही सॉलिड तरीके से हुआ, इसलिए आपको डर लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, क्या सही है क्या गलत हो रही है, इस टाइप की। इसी की वजह से आपको दिल घबरा रहा है कि क्या ये चीज़ें सही होगी, क्योंकि आपने कमिटमेंट मांगा, ये बार सॉलिडनेस मांगा है, और जिसकी वजह से आपने शायद स्टैंड भी लिया हो अपने लिए, तो उसकी वजह से आपको भी डर लग रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ ये नहीं ही चल रहा, ये बातचीत ही नहीं हो रहा, बंद ही है कनेक्शन, ओके। तो इसी के लिए रीडिंग होगी, ओके। तो इनकी हम करंट एनर्जी चेक करते, तो इस कार्ड्स को मैं रख देती हूँ और कोई कार्ड्स ले लेती हूँ मैं, जिससे कि करंट, ओहो ये नहीं लूंगी मैं। इनकी करंट एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी बातों को याद करते हुए, आपने जो आपसे जो बातें की है फाइट करते हुए, कहीं ना कहीं ये आपको याद कर रहे हैं। इस कार्ड के अंदर इनको दुखी आत्मा जैसे जरूर लगते हैं, मैं गलत नहीं बोलूंगी। इनको भी कहीं ना कहीं डर है, याद नहीं करती है, बिल्कुल आपकी गलत थॉट्स हो सकते, गलत फहमी हो सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो आपको याद बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल याद करते हैं। एक्चुअली आपकी कोई बर्थडे वगैरह आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि इनके पास कोई एज अ फ्रेंड की किसी की एंट्री हुई हो सकता है, ये चीज़ें होने के चांसेस है, बट वो फ्रेंड जोन में ही है, वो कंफ्यूज सॉलिड तरीके से दिखाई देते हैं। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि इनके दोस्त, अभी लड़की ही अकेली हो वो ज़रूरी नहीं है, ओके, एज अ फ्रेंड बोला है, ओके, इसका मतलब है लड़का हो या लड़की हो दोनों, बट ये एज अ फ्रेंड वाली एनर्जी कहीं ना कहीं इनको आपकी याद आने नहीं देती। जबकि हमारी ज़िंदगी में कोई होता है तो उसका हम क्या करते, चलो हम उसमें टाइम निकाल देते, तो कहीं ना कहीं उनको याद आने नहीं देती। अभी इनके दिल की बात और इनके सबकॉन्शियस माइंड की मैं बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सॉलिडनेस देने से डर रहे। इनको ऐसा है कि ये आगे रिश्ता बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए, इनके लिए करंट एनर्जी में ये है। जो सोल कनेक्शन आप फील करते हो, वो सोल कनेक्शन ये भी फील करते। अभी प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं आपने ये बोला है कि सोल कनेक्शन है या ऐसा है, ये खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं। इनके दिल में ये सच में आपको याद करते, आपसे आगे बढ़ना चाहते, लेकिन इनके पास्ट रिलेशनशिप में इसी तरह से हुआ होगा, जब भी इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले तो वो कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी चली गई। इनके साथ अक्सर ऐसा होता है, इवन ये नॉर्मल लाइफ में भी इनकी बात मैं करती हूँ, तो इनके साथ अक्सर ऐसा होता है, धोखा ही होता है, तो इसकी वजह से वो जल्दी इंसान किसी पर भरोसा नहीं करता। ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, बट नॉर्मल है। बट ये बंदे के पास सॉलिड तरीके से एज अ फ्रेंड है, मैं आपको फिर से दोहरा रही हूँ, नहीं है कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व। अभी एक चीज़ है, जिसके पास जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी है, अभी आप बोलोगे कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, हमें पता है, तो इसके लिए मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, तो कहीं ना कहीं ये आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है, और कहीं ना कहीं ये आपको सोल कनेक्शन फील करते, तो दोनों के लिए एनर्जी तो सेम ही आ रही है। बट यहाँ पे ऐसा सोचा जाए तो आपके लिए बोलते ना पलड़ा भारी है, ओके, आपकी तरफ एनर्जी बहुत ही हेवी लेवल। आप अभी इनको पता चल रहा है, जैसे कि आपको साइन मिल रहा है, रिपीटेड नंबर, ये वो समथिंग, ठीक है, बटरफ्लाई दिखना, तो
ऐसे भी चीजें यहाँ भी इनको सोल कनेक्शन, अभी स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात नहीं कर रही, मैं सोल कनेक्शन की बात कर रही हूँ। जब भी हम इंसान के साथ बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वाइब्स अच्छी आती है, हम उनसे अच्छे से बातचीत करते हैं, तो ये सोल कनेक्शन हो सकता है। मैं मना नहीं करती क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। लेकिन हाँ, इनकी तरफ से बहुत ही अच्छी से वाइब्स आ रही, इनको ऐसा लग, इन आपकी तरफ से ऐसा है कि बहुत ही अच्छे से, मतलब जो दिल में जो सुकून था वो आपकी तरफ है, तो उनको वो एहसास हो रहा है। तो ऐसा ना समझे कि ये आपसे बातचीत नहीं कर रहे, आपको जो अचानक से याद आना, ये सब चीज़ें इत्तेफाक नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है। तो यही समझ लो कि आपको याद करे, इसीलिए आपकी तरफ एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो नेगेटिव ना हो, याद करते हैं तो याद को आने दो। कभी कभी याद को हम बहुत ज़्यादा रोकने से भी हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी भर जाती है। तो ये आपको ना बोला जा रहा है, दिस इज़ नॉट गुड, आपको हर बार बोलती हूँ, आपको ये गलत बात है, ऐसे मत करो। हम इनके नेक्स्ट एक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कुछ देखते हैं। ओके, ओके, अभी एक चीज़ क्लियर है, ठीक है। इस एनर्जी के साथ साथ इसका मतलब यह है कि आने वाले 24 या 36 आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा गुस्बम पा सकते, बहुत ज़्यादा याद आ सकती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, इरिटेट हो सकते हो, अचानक से मिस कॉलर कॉल करने की आदत, बोलते ना बहुत ज़्यादा याद करना, चलो अभी तो मैं इसको मिस कॉल करके कॉल करके मैं इसको सफाई ले ही लेती हूँ या ले ही लेता हूँ, इस टाइप का जल्दबाजी दिखाई दे रही, क्योंकि इनकी एनर्जी आपको हावी होगी। और दूसरी एक और चीज़, जितना आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खुश है, बोलते ना हाथी के दांत चबाने के अलग और खाने के अलग होते, इस तरह से ये जो दिखते हैं ऐसे खुश है नहीं, भले ही इंस्टाग्राम वगैरह में स्टोरी वगैरह देखते हो और आप भी इनको देख के ऐसा लगता है जलसी फील होती है ना कि ये खुश है मेरी ज़िंदगी ख़राब करके बैठे, ऐसा कुछ नहीं, जो दिखता है वैसा होता नहीं। हर हमें समय, हमारे कान है ना, ये दीवालों को भी कान होते, याद रखना। तो प्लीज़ आप नेगेटिव ना हो, तो जब दीवालों को कान हो सकते हैं तो फिर यूनिवर्स को तो बहुत बड़ी चीज़ें दिखाई देती, तो जस्ट ओके। सो और हम देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन में कुछ हल्की फुल्की चीज़ें दिखाई दे रही है, मतलब मैं देखती हूँ कि सॉलिड वाले एक्शन है। देखो गाइस, एक बात तो क्लियर और कट है, ठीक है, आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपका रियूनियन हो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी, मैं ट्विस्ट मार रही हूँ, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि रियूनियन हो, बिकॉज इसलिए क्योंकि ये बंदा आपकी तरफ से डिजर्व, आपकी तरफ से एक्सपेक्टेशन रख रहा है कि आप इसे मैसेज करोगे, तो आप नहीं करने वालों में से कहीं ना कहीं बहुत लोगों का रियूनियन हो सकता है। हो सकता है कि आपको रात को सपने में रियूनियन हो जाए, झगड़ते हुए दिखाई दे या तो प्यार करते हुए, प्यार करते हुए दिखाई देने के बाद भी एंड में आपको कहीं ना कहीं झगड़ा दिखाई दे किसी के साथ भी, तो चीज़ें होती है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। बट कहीं ना कहीं आपका रियूनियन नहीं दिखाई दे रहा, पर रियूनियन होते हुए कैसे दिखाई दे रहा है, सपने में, ठीक है, या तो फिर इस तरह से रियूनियन दिखाई दे रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा फाइट वाली, आपके दिमाग की ख्याली फुला, मतलब नेक्स्ट फ्यू हावर्स आप समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा वक्त की एनर्जी नहीं है, सो डोंट यू वरी, क्योंकि मैंने जानबूझ के ही बहुत कम ही एनर्जी निकाली जिससे आपको ये पता कर पाए कि हम इनकी इनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो और जिसका थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो एक बार बिल्कुल ध्यान रखना, कहीं ना कहीं वहाँ से फाइट करके, वहाँ से मूडलेस होकर आपकी तरफ आते तो पुरानी बातें याद करके मत निकालना, वरना आपकी फाइट होने के बिल्कुल चांसेस है। ओके, सो ध्यान रखना नेक्स्ट 24 आवर्स, समझ लो ज़्यादा नहीं, 36 आवर्स में नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे नहीं मिली है, तो नेक्स्ट 20 वो फ्यू हावर, ठीक है। बट ध्यान रखना, जो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होती और बहुत ज़्यादा ओवर एंजाइटी होती है, तो आप समझ जाना इनकी ही एनर्जी है, तो उसमें से निकलने की कोशिश करना, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करना, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए ऐसे ही है। ओके, सो ये थी आपके लिए रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए, पर प्लीज़ ध्यान रखना अपना, नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके लिए थोड़े से अजीब व गरीब है, मैं आपको पता है नेगेटिविटी बता, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको डरा रही हूँ, आप ऐसे समझोगे, बट ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ओवर याद आती है, तो टेंशन मत लें, इन्हीं की याद है, वो भी आपको याद करते हैं, आप भी इनको याद करते हो, दोनों मिरर की तरह से काम करते हो। थैंक यू सो मच गाइज, क्लिक एंड क्लेम।